झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत मोती कटरा घाट पर निजी भूमि के नाम पर रात्रि में नदी से अवैध खनन के वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन में लिप्त 12 ट्रकों को सीज किया गया। मामला जिला झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत मोटरी कटरा घाट का है, जहां निजी भूमि पट्टे के नाम पर बड़ी बड़ी अनेक मशीनों से रात होते ही धसान नदी से अवैध खनन चालू हो जाता है और पूरी रात अवैध खनन चलता है। अनेकों लोगों द्वारा अवैध खनन के वीडियो प्रतिदिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कहीं और के वीडियो कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। प्रशासन के इस रवैये के बाद ग्रामीणों ने GPS कैमरे से वीडियो बनाकर वायरल करना शुरू कर दिया, जिसमें कि समय, तारीख, स्थान, लोकेशन सब कुछ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने के बाद 24 तारीख देर रात खनिज विभाग एवं पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से मिलकर अवैध खनन में लिप्त 12 ट्रकों को पकड़कर सीज किया। मौके पर बड़ी बड़ी मशीनें सिस्टम के अंतर्गत कहां गायब हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ जहां निजी भूमि में NGT के नियमों के विपरीत गहरी कुआ नुमा खाई कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर खुलेआम NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाकर बगैर स्कैनर, बगैर कैमरा, बगैर कांटे के अवैध तरीके से रात के अंधेरे में नदी से खनन किया जा रहा है। नदी से बालू उठाकर अवैध तरीके से खनन को अंजाम दिया जा रहा था। रात के अंधेरे में ओवरलोड, बगैर रॉयल्टी के बड़े बड़े ट्रक सिस्टम के तहत निकाले जाते हैं। निजी भूमि के नाम पर नदी में से बालू बेचकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। मुबीन खान की रिपोर्ट।